भिलाई शहर के सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में 26 जनवरी से भिलाई सिल्क महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ विभिन्न राज्यों से निर्मित वस्तु, गृह सज्जा की सामग्री, कपड़े आदि की विशाल रेंज उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे देश के संपूर्ण स्थानों की वैरायटियां। जी हाँ, सिविक सेंटर कला मंदिर के पास वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे भिलाई सिल्क महोत्सव में वस्त्रों की, गृह सज्जा की, सौंदर्य की, साथ ही साथ खान पान के साथ अनेकों वैरायटियां उपलब्ध है। मेरठ की खादी, भदोई ईरानी कारपेट, जम्मू कश्मीर की साड़ियाँ, सूट, शॉल, अनेकों वैरायटी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की क्रॉकरी, बनारस की बनारसी के साथ आकर्षक कंगन, कुंदन कंगन, स्टोन ईयर रिंग, साथ ही साथ कुर्ता पैजामा, सोफा कवर, बेडशीट, आकर्षक खूबसूरत कलर में विभिन्न वैरायटियों की कुर्तियाँ। तो बता दें, 26 जनवरी को हुए भिलाई सिल्क महोत्सव में ग्राहक अपनी मनपसंद खरीदारी करने रोजाना पहुंचकर संतुष्ट हो रहे हैं। मेले के संचालक ने शहरवासियों को मेले में पहुंचने की अपील की है। मेला हमारा भिलाई सिल्क महोत्सव के नाम से लगाया गया है, जो आपके भिलाई शहर में कला मंदिर के सामने वेल्डेक्स ग्राउंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान को एक ही छत के नीचे सभी आर्टिजनों के साथ, जो उन्होंने बनाए गए सामान के साथ पूरा संजोया गया है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको हर एक प्रोडक्ट, जम्मू कश्मीर के लेके साड़ी, पंजाब की फुलकारी, राजस्थान की चूड़ी, पंजाब की फुलकारी, उत्तर प्रदेश का खादी शर्ट, पजामा, कुर्ता, उत्तर प्रदेश की क्रोकरी, उत्तर प्रदेश का भदोई कारपेट ईरानी, इस तरीके से अपने छत्तीसगढ़ की चांपा सिल्क साड़ियाँ, इससे पूरे हिंदुस्तान को एक ही छत के नीचे इस तरीके से तैयार किया गया कि आप एक बार अगर देखोगे तो नज़र हटाए नहीं हटेगी। ये आयोजन मैडम हमने किया गया है अपना 26 से 26 जनवरी से हमारा ये पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। कब तक तो सभी भिलाई वासियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ आप अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी मित्रों के साथ में एक बार जरूर भारत भिलाई सिल्क महोत्सव में आने का कष्ट करें। तो देर किस बात की है, आप भी ये मौका हाथ से जाने ना दें और सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे भिलाई सिल्क महोत्सव में मनपसंद खरीदारी बेहद किफायती दरों में करने अवश्य पहुंचे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।